कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। इंजीनियरिंग ऑफिस पुरानी स्टेशन के पास, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ का इंजीनियरिंग शाखा का कार्यालय है, जहाँ पे ब्रांच सेक्रेटरी भारत भूषण मिश्रा जी हैं। झंडा रोहर का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। वो महामंत्री जी का संदेश हम सभी कर्मचारियों को पढ़ के सुनाए, उसके उपरांत मित्रों अभी हम लोग कर्मचारियों के मुद्दे लेके एनपीएस की लड़ाई को लेके दिल्ली गए थे। वहाँ के प्रारूप क्या रहा वो भी बातें रखी जाएगी आप लोगों के बीच में। तो ध्वजारोहण का पहले हम लोग वो कर लेते हैं। आइए धन, अब राष्ट्रीय गान गाएंगे। जंगल मन अधिनायक जय है भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आजादी दिलाने का काम किया, जहाँ तक हम रेल कर्मचारी हैं, अपने अधिकार और सम्मान की यदि बात करें मित्रों, तो श्रम संगठन का एक सिद्धांत होता है कि जो हमारे पुराने नेताओं ने, जो हमारे पुराने ट्रेड यूनियन के साथियों ने आंदोलन के माध्यम से, निगोशिएशन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, प्रशासन के साथ सरकार के साथ लड़ झगड़ करके जो हमें अधिकार प्रदान किए हैं, सर्वप्रथम हम सारे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन अधिकारों की रक्षा के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें। मित्रों, दूसरा श्रम संगठन का जो उद्देश्य है वह ये है कि जो हमें अधिकार नहीं मिले हैं, जो रेल मजदूर कर्मचारियों को अधिकार नहीं मिले हैं मित्रों, उन अधिकारों को पाने के लिए एनसीआरएस एन एफ आई आर प्रयत्न कर रहा है और प्रयत्न करना भी चाहिए। सीधे मुद्दे पे आता हूं मित्रों, जब से पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त करके नई पेंशन स्कीम लागू की गई, उस समय भी एनडीए की ही सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री उस समय स्वर्गीय अटल जी हुआ करते थे मित्रों, उन्हीं के कार्यकाल में नई पेंशन स्कीम का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद की जो बात आई एनएफआईआर और आईएनटीयूसी, एक कांग्रेस का विंग है। सीधे आईएनटीयूसी का संबंध कांग्रेस से, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, जिस समय से एनपीएस का शुरुआत हुआ है तब से एनसीआरएस एनएफआईआर उसका सतत विरोध कर रही है मित्रों। और हम बताना चाहेंगे इस बात को कि वर्ष 2008 में रेल मंत्री, मौजूदा जो राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रेल मंत्री 2008 में हुआ करते थे। एनएफआईआर के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राघवैया साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुमान सिंह साहब,
उन लोगों ने उस समय भी मीटिंग लिया था रेल मंत्री से और अपना जस्टिफिकेशन NFIR ने देने का काम किया था कि भारतीय सेना जिस तरीके से अपने काम को करती है, भारतीय सेना के जवान जिस तरह से चौहद्दी और सीमाओं की रक्षा करते हैं, मित्रों हमारा रेल कर्मचारी भी जाड़ा गर्मी बरसात, चाहे वो पथरीला इलाका हो, रेगिस्तानी इलाका हो, सीमाओं से लगी हुई रेल लाइनें हैं, उनकी सतत रक्षा करता है, मरम्मत करता है, देखरेख करता है। इसलिए हमें भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ हम रेल कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और हम बताना चाहते हैं आप लोगों से कि उस समय के रेल मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस बात से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने आपके इस फाइल को, पुरानी पेंशन स्कीम के बहाली की फाइल को, NFIR के रिकमेंडेशन को वित्त मंत्रालय तक बढ़ाने का काम किया था। मित्रों ये आपका आंदोलन चल रहा था, उसी दरमियान कांग्रेस की सरकार चली गई, UPA गवर्नमेंट खिलाफ हो गई, मित्रों NDA की सरकार आई, लेकिन NFIR NCERS ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं किया। हमारे बीच के इंजीनियरिंग के भी साथी बैठे हैं। गुवाहाटी में NFIR का अधिवेशन था, उस समय NDA गवर्नमेंट के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी हुआ करते थे, जो साथी गए होंगे, देखे होंगे गुवाहाटी के हाल में। राघवैया साहब ने सुरेश प्रभु के सामने 45 मिनट से लगा के लगभग 1 घंटे तक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था और अपना जस्टिफिकेशन दिया था रेल कर्मचारियों की तरफ से कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम क्यों मिलनी चाहिए। मित्रों और अपने उद्बोधन में सुरेश प्रभु जी ने, जो मौजूदा समय के रेल मंत्री थे, उन्होंने मंच के माध्यम से बोला था कि राघवैया साहब, मैं NFIR NCERS के पूरे कैडर को आश्वस्त करता हूं इस मंच के माध्यम से कि पुरानी पेंशन स्कीम के बहाली की फाइल निश्चित रूप से हम वित्त मंत्रालय को रिकमेंड करके भेजेंगे कि रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मित्रों उस अधिवेशन के बाद लगभग महीना दो महीना ही बीता था कि सुरेश प्रभु को भी बदल दिया गया। सुरेश प्रभु माने जाते थे कि बहुत लिबरल नेता थे, कर्मचारियों की बात को समझते थे, नीचे के तबके के दुख दर्द को समझते थे। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है वन मैन हैंडलिंग, वन मैन शो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त किसी भी मंत्री की चल नहीं रही है। मित्रों NFIR ने जो प्रोग्राम बनाया था साथियों, 10 अगस्त को हिंदुस्तान के कोने कोने से तिरंगा लेकर के लोग नई दिल्ली रामलीला मैदान पहुंचे थे, सार्वजनिक मंच था, चाहे प्रदेश सरकार के कर्मचारी संगठन हो या केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन हो, सारे संगठनों का कर्मचारी वहां लामबंद होकर के लाखों लाखों की संख्या में पहुंचा था। तमाम नेताओं ने अपने उद्बोधन में इस बात को बहुत तरीके से, बहुत सौम्य तरीके से रखने का काम किया था। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री महोदय के प्रतिनिधि से भी मिला था, एक मंत्री को भारत सरकार ने डिप्यूट किया, वहाँ पे भी जस्टिफिकेशन मिला है, आश्वासन मिला है। लेकिन मित्रों काम भी बना है कि महीने के 21 तारीख 12 अक्टूबर काम अभी आएगा, हम सभी लोगों को जैसा भी प्रोग्राम होगा, दिशा निर्देश मिलेगा, हर शाखा स्तर पे, हर प्रतिष्ठान में, प्रत्येक यूनिट में जहाँ हमारा कर्मचारी काम करता है, निजीकरण और NPS को समाप्त करने के मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आंदोलन ये करने का आह्वान किया गया है। आपके माध्यम से हम इस बात को कहना चाहेंगे कि अधिकार और सम्मान के आंदोलन में निश्चित रूप से आपको तकलीफ तो होगी, तकलीफ इस बात को होगी कि जो साथी हमारे नई दिल्ली में गए थे 10 तारीख को, बहुत प्रचंड धूप थी, बहुत प्रचंड गर्मी थी, पीने के पानी तक की मैदान में समस्या थी, एक दो आइसक्रीम वगैरह बेचा जा रहा था, उसी से लोग प्यास बुझा रहे थे। मित्रों
और कर्मचारियों का वो रेला था वहाँ पे कि एक तरफ से जुलूस जा रहा था, दूसरे तरफ से रामलीला मैदान में कम पड़ गई थी। आपकी शक्ति का ये प्रभाव रहा कि प्रधानमंत्री और सरकार ने उस पर कुछ जागरूकता दिखाने का काम किया है, लेकिन आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, एनसीआरईएस के महामंत्री जी का भी यही निर्देश है कि अपने अपने स्तर पे, अपने अपने शाखाओं में आप लोग जागरूक करें। और हमारा ये कहना है साथियों कि मौजूदा समय में कम से कम 85 से 90% कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आता है, पुरानी पेंशन स्कीम के लोग बहुत कम रह गए हैं साथियों। इसलिए आप लोगों को जागने की ज़रूरत है, चैतन्य होने की ज़रूरत है, और इस आंदोलन को जिस तरह से निर्देश मिलेगा हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मंत्री जी का ये मित्रों संदेश है मित्रों। दूसरा, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त रेल कर्मियों को हार्दिक बधाइयां। आज 15 अगस्त 2023 को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम एनसीआरईएस के तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं अन्य सहित उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं जिनके कारण देश को आज़ादी मिली। हम इस अवसर पर एनसीआरईएस के सभी केंद्रीय मंडलों के पदाधिकारी, शाखाओं के पदाधिकारी, डेलीगेट सहित समस्त कर्मचारी बंधुओं को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बताना चाहते हैं कि यह एनडीए की सरकार निजीकरण की नीतियों पर कार्य करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और रेलवे बोर्ड स्तर पर लंबित मांगों के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले रहा, जिसके कारण प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल में लगातार रैली और प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, आज इस मौके पर बताना चाहेंगे कि 21 फरवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित NFIR की वर्किंग कमेटी मीटिंग में व 22-23 फरवरी को इंटक के अधिवेशन में श्रमिकों की महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा के साथ विशेष रूप से न्यू पेंशन स्कीम रद्द कराकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कराने पर चर्चा हुई और सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया पीएस रद्द नहीं होगा, तब तक NFIR व NCRES लगातार संघर्ष करेगा। साथियों, रात्र भत्ते के भुगतान में 43,600 रुपए की सीलिंग न हटाने, DADR के एरियर का भुगतान न करने, ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी का प्रमोशन चैनल GP 4200 तक न करने, पॉइंट्समैन कैडर को 4 ग्रेड पे रिस्ट्रक्चर के साथ शीर्ष ग्रेड पे GP 4200 न देने, GP 1800 को GP 1900 न करने और रिक्तियां न भरे जाने तथा अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण NCRES लगातार संघर्ष कर रहा है। साथियों, NCRES NFIR पर भरोसा रखें, भत्ते के भुगतान पर 43,600 रुपए की सीलिंग अवश्य हटेगी और DADR के एरियर का भुगतान भी अवश्य होगा। साथियों, कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान न दिए जाने के कारण NCRES ने दिनांक 8/5/23 को प्रयागराज में वर्किंग कमेटी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल और हेडक्वार्टर मंडल के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने अपने मंडल की समस्याओं के साथ NPS को रद्द कराकर OPS लागू करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किया और सर्वसम्मत से तय होने के पश्चात प्रयागराज, झांसी और आगरा में दिनांक 21 मई 2023 को प्रचंड रैली व प्रदर्शन के साथ दिनांक 22/5/23 से 26/5/23 तक विरोध सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें शाखाओं ने अपने अपने क्षेत्र में बृहद जन जागरण अभियान चलाया ताकि NPS रद्द कराया जा सके। इस मौके पर अभी बताना है कि दिनांक 19-20 मई 2023 को रेलवे बोर्ड में NFIR के साथ होने वाली PNM बैठक में NCRES ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए जेम पोर्टल की बाध्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया ताकि रेल के रिटायर्ड अनुभवी पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हो सके। हर्ष के साथ सूचित करना है कि रेलवे बोर्ड ने रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ हेतु जेम पोर्टल की बाध्यता खत्म करने हेतु
आदेश संख्या RB 82/2023 दिनांक 21/23 जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त NCERS ने PNM बैठक में CRB एवं CEO को अवगत कराया कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो RB 212/2019 के तहत वर्ष 16 के बाद प्रमोशन अथवा MSEP का लाभ मिलने पर जानकारी के अभाव में समय से ऑप्शन न दे पाने के कारण प्रमोशन MSEP के पश्चात अगली वेतन वृद्धि 6 माह बाद प्राप्त करने से वंचित रह गए। इसलिए NCERS की मांग है कि ऐसे कर्मचारियों को ऑप्शन देने का पुनः एक मौका दिया जाए। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि NCERS की मांग पर रेलवे बोर्ड ने RB 89/2023 दिनांक 13/7/2023 जारी कर कर्मचारियों को ऑप्शन देने के लिए पुनः 3 माह का समय दे दिया। से छूटे हुए सभी पात्र कर्मचारी प्रमोशन के पश्चात अगला इंक्रीमेंट 1 वर्ष के बजाय 6 माह बाद ही प्राप्त कर सकें। इससे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के हजारों कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा जो नई कारणों से ऑप्शन नहीं दे पाए थे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि NCERS शुरू से ही नई पेंशन स्कीम को रद्द कराकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कराने के लिए है। इसी का परिणाम है कि दिनांक 10/8/23 की रैली में नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर व नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज, झांसी और आगरा के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर जुआ कैडर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मंडल ज्ञापन दिया और रैली प्रदर्शन को सफल बनाया। इसके लिए हम अपने सभी केंद्रीय पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, शाखा के पदाधिकारी और डेलीगेट्स की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और रैली की सफलता की है। साथियों, इस मौके पर हम भी चाहेंगे कि आप सभी लगातार कर्मचारियों के संपर्क में रहते हुए उनके समाधान का प्रयास करते रहें ताकि भविष्य में होने वाले सीक्रेट बैलेट चुनाव में NCERS पूर्व के समान भारतीय रेल के समस्त जोनों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित करें। इसी के साथ पुनः आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। RP सिंह महामंत्री NCERS, संयुक्त महामंत्री NFIR। मित्रों, ये तो संदेश आपके महामंत्री जी का था। जो स्थिति है आपके शाखा की, जो स्थिति है इस कैडर का, जो काम है मित्रों वो आपके सामने है। NCERS NFIR संघर्ष में भरोसा रखती है। आपके प्रयास से, आपकी समस्याओं का संघर्ष के माध्यम से हम निदान करने में विश्वास रखते हैं और यकीन मानिए कि हमारा कैडर NCERS NFIR कैडर, आपका कैडर, जो बातें मंच से कही जाती हैं, हमारा पूरा प्रयास हो कि उसको धरातल पे भी उतारने का काम करते हैं। मित्रों के साथ पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा, जय हिंद, जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।